बिग विजन आपका स्वागत करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज वक्त बदल गया है, आज हमारी उपजाऊ जमीन बंजर हो गई है, आज केमिकल के प्रयोग से पहले की अपेक्षा जमीन उपजाऊ कम हो गई है, इसलिए बिग विजन प्रस्तुत करते हैं गो एग्रो, चलो खेती की ओर। तो पहला प्रश्न उठता है, खेती की ओर क्यों, क्यों एग्रीकल्चर? तो बात आती है खेती के लिए टेक्नोलॉजी की। तो प्रस्तुत है नैनो टेक्नोलॉजी। क्यों नैनो टेक्नोलॉजी? तो हर एक प्रश्न का जवाब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों एग्रीकल्चर। आपको पता है दोस्तों, हमारा भारत देश कृषि उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। भारत की 80% जनता गांव में रहती है और कहीं ना कहीं से वो खेती से जुड़े हुए हैं। अगर हम भारत देश के टोटल एग्रीकल्चर टर्नओवर की बात करें तो वो है 7.6 यानी कि 7.6 लाख करोड़, और अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में 14.2% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, या तो वह स्वतः खेती कर रहे हैं या उनके मित्र या उनके रिलेटिव्स कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है पूरा का पूरा टर्नओवर, क्योंकि ये आज की कभी ना खत्म होने वाली जरूरत है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एटम्स और मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट किया जाता है। उदाहरणार्थ एक वर्तमान पत्र अर्थात न्यूज़पेपर को पन्ने हैं, उसमें उस पन्ने को अगर हम 1,00,000 बार काटते हैं तो उसका जो थिकनेस जो है उसका 1,00,000वां भाग जो होता है वह 1 नैनोमीटर होता है। दूसरा उदाहरण, मनुष्य के एक बाल के थिकनेस को अगर हम 80,000 बार काटते हैं तो वह 80,000वां भाग जो होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। तीसरा उदाहरण, अगर कमरे को कलरिंग करने के लिए 5 लीटर पेंट लगता है, उसे अगर नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं तो वो पेंट जो 5 लीटर का था वो कुछ ही ग्राम में आएगा और क्वालिटी वही रहेगी और आपको कैरी करने में भी इजी हो जाता है। वाई नैनो टेक्नोलॉजी? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड होते जा रहे हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा बचेगा, आप इजीली हाथ में कैरी कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए अधिक जगह की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये सूक्ष्म लेवल पर कार्य करेगा, प्लांट जल्दी ग्रोथ करेगा जिससे इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा आपको। आइए हम विचार करते हैं कि पूरी एक फसल निकालने के लिए कौन कौन सी खाद की आवश्यकता होती है। आइए हम एक एक ग्राफ में देखते हैं। तो आवश्यकता होती है 40% फर्टिलाइजर की, 30% इंसेक्टिसाइड्स की, 15% FBB अर्थात फंजीसाइड्स, बैक्टेरिसाइड्स, वेरिसाइड्स, 14.5% ग्रोथ प्रमोटर की, 0.5% स्प्रे एडजुवेंट्स की। इस तरह से होता है पूरा 100% का एक सर्कल तैयार, जिसे आपको 100% फसल लगाने के लिए आवश्यकता होती है। विश्व में IFOM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल, ये एक ऐसी संस्था है जो खाद को ऑर्गेनिक होने का सर्टिफिकेट देती है जो अपने प्रोडक्ट को प्राप्त है। अभी तक फर्टिलाइजर के लिए 50 किलो के बैग बाजार में उपलब्ध है जो कि कैरी करने में आसान नहीं है, तो इसके लिए लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च ज्यादा करना पड़ता है। कुछ कंपनी ने बाजार में फर्टिलाइजर 20 लीटर के कैन में भी उतारा है जो कि कैरी करने के लिए वो भी उतना आसान नहीं है। कुछ कंपनी ने 5 लीटर के कैन में उतारा है। अगर आपकी खेती 5 एकड़ है तो 5 कैन आपको लगेंगे, तो ये भी कैरी करने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। अब आपको बताता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से 1 एकड़ में वही प्रोडक्ट कितना लगेगा। बिग विजन लेके आया है गो एग्रो रेंज, सिर्फ 50 किलो की जगह पेश है 25 ग्राम यानी कि 25 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो नैनो टेक्नोलॉजी का देखिए कमाल, प्रस्तुत है आपके सामने प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट बिग बायो पावर, दूसरा प्रोडक्ट बिग सुपर सॉइल, तीसरा प्रोडक्ट बिग ग्रो, चौथा प्रोडक्ट बिग सिनर्जी, पांचवा प्रोडक्ट बिग रक्षा, छठा प्रोडक्ट बिग ऑल इन वन, सातवां प्रोडक्ट बिग बूस्ट। अब अगर खेती की बात करते हैं तो बात आती है जमीन की, सॉइल क्वालिटी एंड रूट सिस्टम की। तो पहला प्रोडक्ट बिग सुपर सॉइल, तो बिग सुपर सॉइल बनाता है जमीन को बहुत ही सौम्य और उपजाऊ, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। केमिकल से सफेद जमीन की भी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। आप बिग सुपर सॉइल ड्रिप अथवा
ड्रेंचिंग की सहायता से जमीन में छोड़ सकते हैं। इसके डोसेस हैं 200 लीटर पानी में सिर्फ 25 ग्राम बिग सुपर सॉइल डालना है, जो कि एक एकड़ के लिए काम करेगा। ये बिग सुपर सॉइल फसल लगाने से पहले यूज करना है। दूसरा प्रोडक्ट बिग बायो पावर ऑर्गेनिक मैन्योर 19, जो कि है एनपीके फर्टिलाइजर। नॉर्वे के समुद्र से सी बीड से तैयार एस्कोफाइलम नोसोडम एंड नॉर्वेजियन कैल्प से बना एनपीके है, जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है। बाजार में 200 से 300 पीपीएम उपलब्ध है। पीपीएम का अर्थ होता है पार्टिकल पर मिलियन। बिग विजन लेके आया है 200 नहीं, 300 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, पूरे 10,000 पीपीएम, जो कि देगा पूरा रिजल्ट, वो भी सिर्फ 48 घंटे में। तो बात आती है डोसेस की। डोसेस है 200 लीटर पानी में सिर्फ 1 लीटर बिग बायो पावर मिलाना है, जो कि एक एकड़ के लिए पूरा काम करेगा। तीसरा प्रोडक्ट है बिग ग्रो। अब बीज डालने के बाद पौधा निकलता है, छोटे छोटे पौधे। तो पौधे को 25 ग्राम बिग ग्रो 200 लीटर में मिला के एक एकड़ के लिए फवारनी अर्थात छिड़काव करना है। इसका रिजल्ट मिलेगा आपको बहुत ही फास्ट, क्योंकि अदर प्रोडक्ट्स में 7 से 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध है, जबकि बिग ग्रो में 60 से भी ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो कि आपके फसल के लिए ज्यादा ग्रोथ करने में मदद करेगा। आपके सामने है पालक का उदाहरण, पहले का पौधा और बिग ग्रो के फवारनी के 48 घंटे बाद का रिजल्ट आपके सामने। चौथा प्रोडक्ट बिग रक्षक। पौधा बड़ा हो गया, अब पौधे के पत्ते को कीड़े खाने लगते हैं। कौन से कीड़े? सभी प्रकार के कैटरपिलर्स, जैसे लिफ मेनर्स, लेपिडोपेटेरा, हेलोथिस, पैरलिया, आर्मी बॉम इत्यादि। ये प्रोडक्ट आपको 2 ml के एम्पल में उपलब्ध है। तो 1 ml को 15 लीटर पानी में डालना है, जो कि एक पंप होता है, और उसका छिड़काव करना है, जिससे सारे पत्ते को चबाने वाले कीड़े से हमारी फसल को सुरक्षित रखेगा बिग रक्षक। पांचवा प्रोडक्ट है बिग ऑल इन वन। अब वातावरण बदलता है तो बैक्टीरिया का हमला, वायरसेस का हमला, फंजाई का हमला, तो ये हमला कैसे होता है? मेजर 4 अटैक से हमारी फसल खराब होती है। हवा से हमला होता है फंगस का, मिट्टी से हमला होता है बैक्टीरिया का, पानी से हमला होता है बैक्टीरिया और फंगस का, और किसी भी माध्यम से हो सकता है हमला वायरस का। अतः बिग विजन लेके आया है बिग ऑल इन वन प्रोडक्ट, जो काम करता है फंजीसाइड्स में, बैक्टीरिसाइड में, वेरिसाइड में। तो डोसेस है इसका 100 ml को मिलाना है 200 लीटर पानी में, जो कि पूरे एक एकड़ के लिए काम करता है बिग ऑल इन वन। छठा प्रोडक्ट है बिग बूस्ट, ऑल इन वन बिग बूस्ट, जो कि देता है बूस्ट ग्रोथ, फीमेल फ्लावरिंग को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से फल ज्यादा लगते हैं, और ज्यादा ही नहीं लगते, फल के आकार भी बड़े हो जाते हैं। और इसका डोसेस है बिग बूस्ट। बिग बूस्ट अवेलेबल है 2 ml के एम्पल में, और 1 ml अर्थात 2 ml को 15 लीटर पानी में मिलाना है, जो कि एक पंप के बराबर होता है, और उसमें मिला के छिड़काव करना है। सातवां प्रोडक्ट है बिग सिनर्जी, जो कि आपके फर्टिलाइजर डोसेस को 50% अर्थात 50% कम कर देता है। इतना ही नहीं, ये फोटोसिंथेसिस में भी पौधे को मदद करता है, जिससे आपका पौधा रहता है तंदुरुस्त। इसका डोसेस है 200 लीटर में 100 ml एक एकड़ के लिए। इस प्रोडक्ट को आप बायो पावर के साथ मिला दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर इसको मिलाते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है आपको 100%। इस प्रकार हम देखते हैं कि पीक अर्थात फसल को निकालने के लिए जो चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, एफबीवी, ग्रोथ प्रमोटर, सिनर्जिस्ट, ये सभी का सभी पूरा साइकिल जो आपको पूरे फसल को निकालने के लिए चाहिए, यहाँ पे आपको पूरा हो गया। दोस्तों, इस तरह से ये सातों के सातों प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पूरे एक एकड़ के लिए एक कीट में उपलब्ध है। इस तरह से बिग विजन ने बदल दिया खेती का इतिहास। अब 50 किलो की बोरी आपके पॉकेट में ले जाने के लिए आसान, लेस स्टोरेज स्पेस, लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलो भाइयों बहनों, खेती की ओर, चलो इंडिया खेती की ओर, गो एग्रो। बिग विजन।